हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल फर्स्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू गाइस डू नॉट लाइक एनी इनएप्रोप्रिएट और सेंसिटिव कंटेंट, प्लीज इग्नोर दिस वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग क्रीपी कंटेंट होने वाला है। शायद आपको अच्छा मिलना लगे देखना। सो गाइस, अपने ही रिस्क पे देखना ये वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा ही क्रीपी वीडियोज डालता है। क्रीपी वीडियोस ऐसा नहीं कि बस डली हुई है उसके अंदर, मतलब ये हर रोज रेगुलर एक वीडियो रोज आती है, हर रोज अपडेट होती रहती है। और ऐसी वीडियो होती है कि गाइज वो आपको डार्क वेब टाइप पे ही मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रोम आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी लेयर प्रोवाइड करता है, ऐसी चीज़ से थोड़ा दूरी रखता है, आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता ही नहीं है ज़्यादातर। यहाँ तक कि विकिपीडिया के अंदर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वैलिड इंफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ इलीगल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसको सीधा फैक्ट्स, वॉयलेंस वगैरह जो भी होता है उसको सीधा दिखाते हैं, बिना कोई ब्लरनेस के या कोई भी हाइड वगैरह नहीं करते, सीधा जो बात है वो ही दिखाते हैं। मैंने जब ये डिस्कवर करी थी साइट, तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या यार, छोटी सी साइट है, क्योंकि एक ही पेज है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक वीडियो रोज आती है। मैं रोज देखता था कि कौन सी नई नई वीडियोस इसमें आती रहती हैं। तो गाइस, मैंने पहले देखी थी तो उसमें कुछ कश्मीर इंडियन से रिलेटेड था, जो आज है वो मेरे को आज पता नहीं है। तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाई देता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर रोज कैसे कैसे अपडेट होती रहती है। बेसिकली नॉर्मल सर्फिंग जो क्रोम पे हम करते हैं उस डेली बेसिस पे, उसमें ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन गाइस, तुम्हें तो पता ही है ना कि इंटरनेट इतना भी कम नहीं है, उसके अंदर कितनी ज्यादा लेयर है, कितना डीप है इंटरनेट। उसी डीपनेस में से एक वेबसाइट जो मैं निकाल के लाया हूँ आज, उसी को साथ में एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं इस वेबसाइट में क्या क्रीपी निकलेगा। ज्यादा कुछ तो इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है और एक ही पेज के अंदर सिर्फ एक वीडियो हर रोज आती रहती है, नई नई वीडियो हर रोज आती है, एक ही लेकिन आती है। सो गाइस, जो वेबसाइट का नाम है उसका नाम है bestgore.com। और गाइस, अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा दे रखा है, तो अगर आपको इसकी भी नॉलेज लेनी है तो यू कैन। ओके गाइस, जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले बड़ा बड़ा नाम मिल जाता है वेबसाइट का, और साथ ही साथ नीचे आपको थोड़ा सा इंट्रो मिल जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता है कि बेस्ट गोर है क्या चीज़ और क्या क्या अपलोड करती है। तो गाइस, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 से ऊपर वाले लोग ही देखें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ना ही देखो, अपना मूड क्यों खराब करना। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सो गाइस, जो अभी रिसेंट वीडियो अपलोड हुई है वो है मैन इन प्रिजन बीटन बाय मल्टीपल इनमेट्स। सो गाइस, इसके अंदर आप वीडियो है आप देख सकते हैं। मैं आप E aí, curva, para representar o senhor aí, ó, acabou de sem ideia. यहीं तक कहानी थी और आगे आप खुद ही जान सकते हो कि क्या होने वाला है। नीचे हर रोज नई नई वीडियो अपडेट होती रहती है, सारी की सारी, मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। सो गाइस, ये वीडियो मैंने देख चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी अगर मेरी वीडियो पे स्ट्राइक हो जाएगी या डिलीट ना हो जाए। अगर ये वीडियो शायद डिलीट हो गई तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है इस वीडियो के साथ। अगर तुम कमज़ोर दिल के हो, मतलब सेंसिटिव चीज़ें नहीं देख पाते हो, तो भाई तुम्हें बहुत नींदें हराम हो जाएंगी, सही बता रहा हूँ। मैंने जब देखा था तो भाई मैं तो शौक ही हो गया था कि भाई क्या ऐसी भी दुनिया होती है, कितनी ज़्यादा क्रूअलनेस है इसमें। और भाई सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है, कोई ब्लर नहीं है, कुछ हाइड नहीं कर रहा, भाई सीधी फुटेज आ रही है। पहले जब मैंने उसको विजिट करी थी उसमें कुछ कश्मीर से रिलेटेड था, कि मतलब कि इंडियन आर्मी के अंदर कुछ बॉम्ब वॉम्ब गिर गया था उनके ऊपर, तो एक आदमी पूरा इंजर्ड था, मतलब मर ही गया था वो, और पूरा उसका इंटेस्टाइन सब बाहर था, बहुत ज़्यादा ग्रोस था वो देखना। तो भाई सो गाइस, इस वेबसाइट का कहना है कि ये आप तक हाईली वायलेटेड रियल लाइफ फोटोज़ न्यूज़ वगैरह कवर करता है, जो आप तक पहुंचाता है और आपके व्यूज़ या आपके ओपिनियन कमेंट्स वगैरह जानने की कोशिश करता है। और जो इस वेबसाइट को ओन करता है वो एक कैनेडियन है जिसका नाम है मार्क मैरिक। और ये वाली वेबसाइट मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल वेबसाइट्स में से एक है, क्योंकि गाइस इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें कवर होती हैं जो बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट हैं, और इस वेबसाइट को बैन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी थी। लेकिन उसके ओनर का सिर्फ यही कहना था कि वो सिर्फ फैक्ट्स दिखा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुंचा रहा है कि ये चीज़ें हैं, इसलिए वो बैन होने से रह जा रही थी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताना, क्योंकि गाइस ये वाली वेबसाइट शायद किसी ने नहीं कवर करी होगी। मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, ऐसा भी डार्क वर्ल्ड है। और अगर गाइस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।